हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को सलाम। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। और मैं आगरा से पास्टर लकी डेविड मार्टिन आज की शाम इस फेसबुक लाइव के द्वारा आप सब लोगों के साथ मिलकर के मैं कुछ देर खुदा की खिदमत करूंगा, परमेश्वर की महिमा करूंगा, उसकी आराधना करूंगा। और मैं धन्यवाद देता हूं सबसे पहले उस परमेश्वर का, उस प्रभु यीशु मसीह का, कि प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा, उसकी दया के द्वारा आज की शाम मैं खुदा की महिमा को कर सकूं, उसकी आराधना कर सकूं, उसके पवित्र नाम को धन्यवाद दे सकूं। और दूसरा धन्यवाद देता हूं मैं ब्रदर अनुपम डेविड जी का और सिस्टर शबनम डेविड जी का कि उन्होंने आगरा मसीह मंडली इस फेसबुक पेज पर आने के लिए मुझे इनविटेशन दिया। मैं तहे दिल से उनका धन्यवाद देता हूं कि जिस प्रकार से वो खुदा की सेवा को, प्रभु की उस कार्य को पूरा कर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर ने उनको उस काम के लिए चुना है कि उनके जीवन से परमेश्वर के नाम की महिमा हो, प्रभु के नाम की आराधना हो। और खुदावर उनकी मिनिस्ट्री को, उनकी सेवकाई को बहुत ब्लेस करे, बहुत आशीषित करे, उनकी फैमिली को, उनके परिवार को परमेश्वर बहुत ब्लेस करे। आइए, इससे पहले कि हम लोग प्रभु की आराधना में आगे जाएं, आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, हमारे सामर्थी अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ खास करके प्रभु आज की इस मुबारक शाम के लिए, इस मुबारक वक्त के लिए खुदावन, कि आपने ये समय हम सब की जिंदगी में दिखाया कि परमेश्वर पिता मैं इस फेसबुक लाइव के द्वारा प्रभु आपके लोगों के साथ मिलकर के आपकी महिमा और आपकी आराधना कर सकूं प्रभु। और पिता परमेश्वर आज की शाम मैं प्रार्थना करता हूं, आज की शाम जितने भी लोग खुदावन लाइव जब इस सेशन को देखते हैं पिता परमेश्वर, उनकी जिंदगियों के लिए खुदा मैं प्रार्थना करता हूं कि एक अद्भुत सामर्थ उनके जीवन में प्रभु आज की शाम कार्य करे। प्रभु आपका वचन बहुत ही प्रबल और सामर्थ्य रीति से उनकी जिंदगी में कार्य करे प्रभु आज की शाम पिता परमेश्वर। और जब खुदावन हम आपकी आराधना करते हैं, गीतों को गाते हैं प्रभु, हमारी इस आराधना की इस भेंट को आज की शाम खुदावन आप उसको ग्रहण करें परमेश्वर पिता। और हमारी ये दुआ है, हमारी ये प्रार्थना है पिता परमेश्वर, प्रत्येक जीवन जहां जहां से प्रभु लोग इस फेसबुक लाइव को देखते हैं और हमारे साथ जुड़ते हैं पिता परमेश्वर, हाँ खुदा उनके जीवन में प्रभु एक बड़ी महान आशीष को आने के लिए वो खुदावन में प्रार्थना करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर। मेरी दुआ है कि यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, हाँ खुदावन की आप बहुत सारे लोग आज की शाम खुदा इस प्रभु सेशन के द्वारा आशीषित होने जा रहे हैं प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ पिता परमेश्वर। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ खास करके ब्रदर अनुपम डेविड जी के लिए, सिस्टर शबनम डेविड जी के लिए खुदावन की परमेश्वर, हाँ खुदावन आप इन जीवनों को भी प्रभु बहुतायत के साथ प्रभु आशीष और बरकत दीजिए मेरे प्रभु परमेश्वर। आपने अपने कामों के लिए खुदावन इनको चुना है मेरे प्रभु परमेश्वर। मेरी दुआ है, मेरी प्रार्थना है खुदावन कि परमेश्वर के जीवनों को आप बहुतायत के साथ खुदावन ब्लेस कीजिएगा मेरे प्रभु, इनकी फैमिली को, इनके परिवार को प्रभु, और जो सेवा आपने इनको सौंपी है पिता परमेश्वर, हाँ खुदा इस सेवकाई के माध्यम से हाँ खुदावन यहोवा बहुत सारे लोगों तक प्रभु ये आपके वचन को और आपके सुसमाचार को लेकर के जा सके पिता परमेश्वर। इनके जीवन से प्रभु ओ खुदावन यहोवा बहुत सारी जिंदगियां प्रभु यीशु के नाम से बचाई जा सके पिता परमेश्वर। और मेरी दुआ है कि दिन प्रतिदिन अपने दान वरदानों से भर करके परमेश्वर अपने दास और अपनी दासी को खुदावन बहुत ही जरूर रीति से इस्तेमाल कीजिए मेरे प्रभु परमेश्वर। मैं धन्यवाद देता हूँ और यही प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता कि खुदा उस दर्शन के तहत, जो दर्शन प्रभु आपने इनको दिया है खुदा, उस दर्शन के तहत अपने दास और दासी को प्रभु खुदा आप इस्तेमाल करते चले जाइए मेरे प्रभु। मैं धन्यवाद देता हूँ खुदावन यहोवा, आप खुदा इस पूरे एक घंटे के इस लाइव सेशन को आपके हाथों में सौंपता हूँ प्रभु, आपकी सामर्थ और आपका अभिषेक बहुत अद्भुत रीति से आज की शाम कार्य करे प्रभु। धन्यवाद देता हूँ प्रभु क्योंकि आपने हमारी प्रार्थना को सुना है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगता हूँ, आमीन। सबको प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम प्रभु की आराधना में चलेंगे, थोड़ी देर हम प्रभु की महिमा करें, उसकी आराधना करेंगे और
इसकी स्तुति करेंगे और एक गीत को हम प्रभु की महिमा के लिए गाएंगे जो आराधना का गीत है। थैंक यू लॉर्ड। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। ओ हो प्रार्थना करे आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। हालेलुया प्रार्थना करे आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से, प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन। ओ हो हो प्रार्थना करे आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। हालेलुया प्रार्थना करे आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। खटखटाओ खुलेगा स्वर्ग की आशीषें, पाओ तुम उसे अभी। खटखटाओ खुलेगा स्वर्ग की आशीषें, पाओ तुम उसे अभी। ओ हो आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। हालेलुया प्रार्थना करे आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। ओ प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं चैन जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं चैन जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा।
दिन भग भग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। एक बार समान चलता रहूंगा मेरी महिमा मेरी कामना। एक बार समान चलता रहूंगा मेरी महिमा मेरी कामना। प्रभु का धन्यवाद करूंगा उसकी संगति में सदा रहूंगा। साह चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। साह चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा ओ प्रभु का धन्यवाद करूंगा। उसकी संगति में सदा रहूंगा। साह चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। साह चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा तू यीशु का धन्यवाद करूंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा यीशु का धन्यवाद करूंगा। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें। हालेलुया। आप जहां कहीं भी अपने घरों पर बैठे हुए हैं या अपने स्थानों पर आप जहां कहीं भी हैं अपने हाथों को उठाकर उस प्रभु का धन्यवाद करें। हालेलुया। आइए हम अपने हाथों को उठाएं उस खुदावन का धन्यवाद करें। हालेलुया। उसके उपकारों के लिए उसके उस महान कामों के लिए आइए आज की शाम प्रभु का धन्यवाद करें। प्रभु के लोगों हालेलुया। उसकी आराधना करें। हालेलुया। ओ थैंक यू जीसस क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया। ओ धन्यवाद हो यीशु। जैसे कि हम इस कोरस को गा रहे हैं जैसे कि हम इस गीत को गा रहे हैं हालेलुया आपने मेरे साथ मिलकर के इस गीत को गाइए। हालेलुया। देखिए प्रभु की सामर्थ आज की शाम आपको स्पर्श करेगी। हालेलुया। प्रभु का आत्मा आज की शाम आपको छुएगा। हालेलुया। ओ हालेलुया। ओ एक 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 अद्भुत रीति से एक न्यू बदलाव एक नया बदलाव आज की शाम से आएगा। हालेलुया। ओ थैंक यू जीसस वी वर्शिप यू लॉर्ड होली स्पिरिट। हालेलुया।
आज की शाम परमेश्वर की उपस्थिति आज की शाम हमारे बीच में है। मैं परमेश्वर की उस गर्माहट को, उस पवित्र आत्मा की उस गर्माहट को आज की शाम यह मैं महसूस कर रहा हूं। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। परमेश्वर का आत्मा आज की शाम आप लोगों को भी छूने पर है। इस वक्त परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर का सामर्थ आपको छू लेने पर है। हालेलुया, ओ कहे पवित्र आत्मा से, पवित्र आत्मा मुझ पर कब्जा कर। हालेलुया, आज की शाम पवित्र आत्मा से बोले प्रभु के लोगों, पवित्र आत्मा मुझ पर कब्जा कर। हालेलुया, ओ पवित्र आत्मा मुझ पर कब्जा कर। हालेलुया, ओ हालेलुया। परमेश्वर से कहे, परमेश्वर आज की शाम से मेरे जीवन में कुछ नया कर प्रभु। ओ हालेलुया, आज की शाम परमेश्वर से बोले प्रभु के लोगों, परमेश्वर आज के शाम से मेरी जिंदगी में कुछ नया कीजिए मेरे प्रभु, कुछ अद्भुत कीजिए मेरे प्रभु। ओ हालेलुया, हालेलुया। प्रभु से कहे, प्रभु से कहे, जबकि हम प्रभु की उपस्थिति में है प्रभु के लोगों, प्रभु से कहे इस बात को कि परमेश्वर आज की शाम से मेरी जिंदगी में कुछ नया कीजिए मेरे प्रभु, मेरे जीवन में कुछ नया कीजिए मेरे प्रभु। आज की शाम प्रभु से कहे प्रभु के लोगों, हालेलुया। क्योंकि बाइबल बताती है, प्रभु का वचन कहता है कि तू अपने मुंह को खोल और मैं उसको भर दूंगा। हालेलुया, परमेश्वर का वचन कहता है कि तू अपने मुंह को खोल और मैं उसको भर दूंगा। हालेलुया, और आज की शाम आप अपने मुंह को खोले। हालेलुया, आज की शाम आप अपने मुंह को खोले। हालेलुया, परमेश्वर आपको भरने पर है। हालेलुया, परमेश्वर आपकी जिंदगी में कुछ नया करने पर है आज की शाम। ओ प्रभु के लोगो, अपने मुंह को खोले। हालेलुया, अपने मुंह को खोले। हालेलुया, परमेश्वर कह रहा है आज की शाम। ओ हालेलुया, रबा शखा लबा इसी समय परमेश्वर का स्पर्श आपको छू लेने पर है, आपको टच करने पर है। हालेलुया, जीसस माइटी नेम, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। हालेलुया, प्रभु आज की शाम कुछ नया करने पर है आपकी जिंदगी में। हालेलुया, परमेश्वर आज की शाम से कुछ नया करने पर है आपकी जिंदगी में। हालेलुया, ओ हालेलुया, परिस्थितियों को परमेश्वर आज की शाम से बदल लेने पर है। हालेलुया, आज की शाम से परमेश्वर परिस्थितियों को ओ बदल लेने पर है। हालेलुया, ओ हालेलुया, प्रभु से कहें आज की शाम पवित्र आत्मा मुझ पर कब्जा कर। हालेलुया, मुझ पर कब्जा कर। हालेलुया, और एक इस गीत को जब मैं गा रहा हूं, आप मेरे साथ इस गीत को मिलकर के गाएं। आज की शाम से
परमेश्वर कुछ नया करने पर है आपकी जिंदगी में। हालेलुया। इस बात को बोलें, आप अपने स्थानों पर बैठे हुए हैं या खड़े हुए कहीं भी हैं, इस बात को आप बोलें आज की शाम, परमेश्वर मेरी जिंदगी में कुछ नया करने पर है आज की शाम से। बोले अपने मुंह से, अपने लिए इस बात का अंगीकार करें, इस बात का अंगीकार करें। हालेलुया। और बाइबल इस प्रकार से बताती है कि जैसा तुम्हारा अंगीकार है वैसा ही तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। बाइबल बताती है, प्रभु का वचन कहता है कि जैसा आपका अंगीकार है वैसा ही आपके लिए हो जाएगा। हालेलुया। आज की शाम से कहें प्रभु से कि प्रभु आज की शाम से मेरी जिंदगी में कुछ नया होने पर है। हालेलुया। और परमेश्वर देखिएगा आज की शाम से आपकी जिंदगी में कुछ नया करेगा। आप विश्वास करें और इस बात का अंगीकार करें। यस लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद हो प्रभु आपका, धन्यवाद हो प्रभु आपकी सुंदर उपस्थिति के लिए, आपकी महान प्रेजेंस के लिए। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर आज की शाम आप अपने स्वर्ग को छोड़ करके अपने लोगों से आप मुलाकात करने आए हैं, अपने लोगों से आप मिलने के लिए आए हैं। मेरे प्रभु खुदावन, मैं इस बात के लिए आपका शुक्रगुजार हूं और आपको मैं धन्यवाद देता हूं पिता परमेश्वर। आज की शाम खुदावन, जबकि प्रभु हम एक बहुत ही खास और एक बहुत ही महत्वपूर्ण समय के अंदर आ चुके हैं प्रभु, जबकि खुदा हम आपके कलाम से खुदावन आसुदा होंगे प्रभु, आपके कलाम से रूबरू होंगे मेरे प्रभु। और आज की शाम खुदावन, जो कलाम, जो वचन और जो मन्ना खुदा आपने अपने लोगों के लिए ठहराया है, स्वर्ग से उस मन्ने को उन्हें लिए, ताकि आज की शाम हम उस मन्ने में से खा सकें और खा करके तृप्त किए जाने वाले हो सकें। जब खुदावन उस वचन का बीज जब बोया जाता है, तो परमेश्वर पिता मैं प्रार्थना करता हूं कि एक एक जिंदगी में खुदा वचन का बीज 30 नहीं, 60 नहीं, बल्कि वो 100 गुना और 100 गुना और 100 गुना फल लाए मेरे प्रभु, और वो फल हम सबकी जिंदगी में बना रहने वाला हो सके मेरे प्रभु। पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं आज की शाम आप अपने वचन पर अपनी बड़ी आशीष को उनेल दीजिएगा मेरे प्रभु। और पिता परमेश्वर, समथिंग न्यू यानी कि कुछ नया आज की शाम से आप अपने लोगों के जीवन में करने जा रहे हैं। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। खुदावन मैं अपने आप को आपके हाथों में सौंपता हूं प्रभु। खुदावन मेरे अंदर कोई खूबी नहीं, कोई लियाकत नहीं मेरे प्रभु परमेश्वर पिता, लेकिन आपकी दृष्टि और आपका अनुग्रह मुझ पर हुआ और खुदा आपने मुझे अपनी प्रभु महिमा के लिए, उस खाबों के लिए आपने मुझे चुना। यह आपका ही अनुग्रह, यह आपकी ही दया है मेरे प्रभु। परमेश्वर पिता मैं प्रार्थना करता हूँ आज की शाम अपने आप को आपके हाथों में सौंपता हूँ। मेरे होठों का, मेरी जबान का भी शेख करें पवित्र आत्मा की अग्नि से खुदा, कि बोलने वाला खुदा मैं नहीं बल्कि बोलने वाले आप हूं, और सुनने वालों के हृदय आज की शाम छिद जाए प्रभु आपके वचन और आपके कलाम के। धन्यवाद करता हूं प्रभु, और हर एक उस डिस्टर्बेंस की स्पिरिट को, हर एक उस ध्यान भटकाने वाली उस आत्मा को मैं यीशु मसीह नासरी के नाम से बांध देता हूं परमेश्वर पिता। मत्ती 18 उसकी 18वीं आयत के द्वारा खुदावन अगुवाई करें आप अपने लोगों की। यस लॉर्ड, धन्यवाद हो प्रभु आपका। सारी बातों में आपको महिमा देता हूं पिता परमेश्वर, क्योंकि महिमा आपकी है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को मांगता हूं। आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। और सबको एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह में मैं जय मसीह की बोलता हूं और प्रेज द लॉर्ड बोलता हूं, और प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि ये वक्त प्रभु ने हम सबकी जिंदगी में दिया है, और हम सबको प्रभु ने जिंदों की जमीन पर जीवित रखा है, और इसलिए जीवित रखा है ताकि परमेश्वर मेरे और आपके जीवन से अपनी महिमा को और अपने जलाल को ले सके। हालेलुया, जय मसीह की। आइए, ये समय है कि हम लोग प्रभु के वचन में चलेंगे और खुदा के कलाम में चलेंगे, और जो आप लोगों ने डिस्क्रिप्शन में जो मेरा जो एक हेडिंग है वो आपने देखा होगा, यहाँ पे इस प्रकार से लिखा कि परमेश्वर अपना वचन पूरा करने वाला है और वो सामर्थी है। हालेलुया, परमेश्वर अपना वचन पूरा करने वाला है क्योंकि वो सामर्थी है। हालेलुया, परमेश्वर अपने वचन को पूरा करता है एक ठीक, एक नियुक्त समय पर आने पर। परमेश्वर अपने कलाम और प्रभु अपने वचन को पूरा करता है, क्यों? क्योंकि वो सामर्थी है। हालेलुया,
जय मसीह की। आज बहुत सारे लोग बहुत सारे प्रश्नों को शायद हो सकता है उनके जहन में बहुत सारे प्रश्न होंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे और कुछ लोग बहुत समय से कुछ क्वेश्चंस को अपने दिमाग में रखे होंगे या अपने जहन में रखे होंगे कि ऐसा क्यों है या क्यों किस रीति से परमेश्वर किस रीति से काम करने वाला है हमारी जिंदगी के अंदर। परमेश्वर हो सकता है शायद आज अपने वचन के द्वारा अपने कलाम के द्वारा उन क्वेश्चनों का या उन प्रश्नों का परमेश्वर उत्तर देने वाला है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। तो आइए हम जल्दी से प्रभु के वचन में चलेंगे और आप लोगों के पास बाइबल है और आप अपने बाइबल से अपने इस वचन को निकाल के पढ़ेंगे और जो आपको मिलेगा योएल नबी की किताब उसका 2 अध्याय और उसकी 11 आयत। योएल नबी की किताब उसका 2 अध्याय उसकी 11 आयत। यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं आपके सामने इस वचन को पढ़ता हूं। यहोवा अपने उस दल के आगे अपना शब्द सुनाता है क्योंकि उसकी सेना बहुत ही बड़ी है। जो अपना वचन पूरा करने वाला है वह सामर्थी है, क्योंकि यहोवा का दिन बड़ा और अति भयानक है, उसको कौन सह सकेगा। हालेलुया, जय मसीह की। योएल भविष्यद्वक्ता, योएल नबी ये कब की प्रोफेसी कर रहा है? ये अंत समय की प्रोफेसी हो रही है, ये अंत समय की भविष्यवाणी हो रही है, क्योंकि योएल को भी जो बातें परमेश्वर ने प्रकट की वो उस समय की बातें प्रकट की नहीं कि आने वाले समय के अंदर, ये आने वाले वक्त के अंदर, ये अंत के समय में, ये परमेश्वर के आने से पहले क्या क्या होने वाला है, उन सारी विषय की बातें परमेश्वर ने योएल भविष्यद्वक्ताओं को बताई और बहुत सारे नबियों को, यर्मिया को भी, यशाया को भी। ये सारी चीजें परमेश्वर ने, उन बातों को परमेश्वर ने अपने उन दास भविष्यद्वक्ताओं पर, नबियों पर परमेश्वर ने उन बातों को प्रकट किया। और बाइबल इस प्रकार से बताती है कि परमेश्वर अपने मर्म को बिना प्रकट किए कुछ भी नहीं करता। हालेलुया, परमेश्वर जब तक अपने मर्म को या अपने भेद को जो परमेश्वर करने वाला है, जब तक वो अपने दास भविष्यद्वक्ताओं पर, नबियों पर, जब तक उन बातों को परमेश्वर प्रकट नहीं कर देता, तब तक परमेश्वर कुछ भी नहीं करता। हालेलुया। शुरू से जब से ये पृथ्वी बनी और परमेश्वर भिन्न भिन्न अपने दास भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा, नबियों के द्वारा परमेश्वर बहुत सी बातों को मेरे और आपके लिए प्रकट करता चला आ रहा है। कितने ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर के वचन के ऊपर बिलीव करते हैं और कितने ऐसे हैं जो परमेश्वर के वचन के ऊपर बिलीव नहीं करते। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर अपने उन भेदों को, परमेश्वर अपनी उन बातों को लोगों के ऊपर, खास करके अपने नबियों, दास भविष्यद्वक्ताओं के ऊपर उन भेदों को प्रकट करता है और प्रकट करने के बाद परमेश्वर उन कामों को और उस वचन को अवश्य ही पूरा करता है। हालेलुया। क्योंकि वचन परमेश्वर की ओर से जब निकलता है, प्रभु के लोगों को बाइबल इस प्रकार से बताती है, जो अपना वचन पूरा करने वाला है वह सामर्थी है। कौन अपना वचन पूरा करने वाला है? परमेश्वर यहोवा, जो सेनाओं का यहोवा है, जिसने इस पृथ्वी को बनाया है, जिसने इस पूरी सृष्टि को बनाया है, जिसने मुझे और आपको बनाया है, वो अपने वचन को, अपने कहे हुए शब्द को परमेश्वर पूरा करता है। क्यों? क्योंकि बाइबल कहती है क्योंकि वो सामर्थी है। हालेलुया। क्योंकि वो सामर्थी है और वो सामर्थ के कामों से ही क्या रहता है, खुश होता है और प्रसन्न होता है। परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट करता है, परमेश्वर अपने उस कहे हुए वचन को प्रकट करता है और उसको पूरा करता है क्योंकि बाइबल कहती है क्योंकि वो सामर्थी है। बाइबल का परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है क्योंकि वो जीवित है और बाइबल बताती है कि वो युगानुयुग जीवित है। हालेलुया। वो कल, आज और वो युगानुयुग एक सा है और वो कभी बदलता नहीं है। मनुष्य शायद अपने कहे हुए शब्द को कह करके
बदल जाता है या पलट जाता है। और अक्सर मनुष्य के अंदर यह आदत होती है कि अगर हम किसी शब्द को बोलते हैं या किसी बात को हम बोलते हैं और कुछ ही क्षण के बाद या कुछ ही समय के बाद हम अपने उन वचनों को क्या कर देते हैं, पलट देते हैं कि नहीं भाई मैंने ऐसा नहीं कहा था और ऐसा कहा था। लेकिन परमेश्वर जो वचन बोल देता है, परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर उस वचन से पीछे नहीं हटता है, क्योंकि परमेश्वर अपने हुए कहे हुए शब्द को वापस नहीं लेता है, क्योंकि ये परमेश्वर की एक क्वालिटी है, एक परमेश्वर की एक पर्सनैलिटी है और ये परमेश्वर की एक व्यक्तित्व है, परमेश्वर के लोगों की, परमेश्वर अपने कहे हुए वचन को कभी वापस नहीं लेता। जब तक उसका कहा हुआ वचन, जब तक उसका शब्द, जब तक पूरा ना हो जाए प्रभु के लोगों, तब तक परमेश्वर के पास उसका वचन वापस लौट के नहीं आता। क्योंकि बाइबल साफ कहती है जो आज जो अपना वचन पूरा करने वाला है वे सामर्थ्य है। अब एक सामर्थ्यशाली परमेश्वर की आराधना करने वाले लोग हैं प्रभु के लोगों, जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया, जिसने इस पूरी सृष्टि को रचा और परमेश्वर ने जिसने इंसान को यानी कि मनुष्य को बनाया जो एक अद्भुत रचना थी। परमेश्वर ने जब सारी सृष्टि को बनाया और उसके बाद परमेश्वर ने मनुष्य की उत्पत्ति करी और बाइबल कहती है कि परमेश्वर की सबसे बेहतरीन सर्वश्रेष्ठ रचना क्या थी, मनुष्य थी। बाइबल साफ कहती है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में परमेश्वर ने मुझे और आपको रचा है। और बाइबल एक जगह यह भी कहती है प्रभु के लोगों कि परमेश्वर ने मनुष्य को स्वर्गदूतों से थोड़ा ही कम बनाया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु के लोगों, मैं और आप एक ऐसे परमेश्वर की आराधना करते हैं जो परमेश्वर सामर्थी है और वो अपने वचन के कहे हुए वचन से कभी पीछे नहीं हटता और ना पीछे लौटता है। और बाइबल इस प्रकार से बताती है कि यहोवा अपने उस दल के आगे अपना शब्द सुनाता है क्योंकि उसकी सेना बहुत ही बड़ी है, जो अपना वचन पूरा करने वाला है वह सामर्थी है। उसकी बात यहां लिखा हुआ है क्योंकि यहोवा का दिन बड़ा और अति भयानक है, उसको कौन सह सकेगा। हो सकता है शायद बहुत सारे लोग बाइबल के इस वचन को या बाइबल को और एज अ एक किताब के रूप में पढ़ते हैं और वो समझते हैं कि शायद एक किताब है और जैसे और जनरली किताब है, हम उस जनरली किताबों को पढ़ते हैं और बहुत सारे लोग उसी प्रकार से इस बाइबल को भी पढ़ते हैं कि ये एज अ किताब है। लेकिन प्रभु के लोगों, परमेश्वर का जो वचन एक एक शब्द इस बाइबल में लिखा हुआ है प्रभु के लोगों, ये परमेश्वर के मुख से निकला हुआ है, ये परमेश्वर की वाणी है। और प्रभु ने इस वचन को, इस कलाम को पृथ्वी पर मेरे और आपके लिए दिया है ताकि मैं और आप इस वचन से जीवन पाए और उस जीवन को पा सके जिस जीवन को जीने की देने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस जगत में मेरे और आपके लिए आए। उसका वचन तो सामर्थ्य है प्रभु के लोगों, क्योंकि वो सामर्थ्य के काम करने वाला परमेश्वर है और उसका वचन जब तक पूरा नहीं हो जाता, जब तक अपने कार्य को पूरा नहीं कर लेता, तब तक परमेश्वर का वचन परमेश्वर के पास वापस नहीं लौटता। हालेलुया। शुरुआत के दिनों में जब मैं और आप इस बात को देखते हैं कि परमेश्वर ने सबसे पहले जब एक प्रश्न परमेश्वर के सामने उठा कि मैं इस पृथ्वी का सर्वनाश कर दूंगा क्योंकि इस पृथ्वी की बुराई मेरे सम्मुख बहुत बढ़ गई है, मनुष्य की बुराई मेरे सम्मुख बहुत बढ़ गई है। और हम देखते हैं कि नूह के समय के अंदर, नूह के दिनों के अंदर ऐसा हुआ। परमेश्वर ने देखा कि कोई भी धर्मी नहीं है, एक भी धर्मी नहीं है, एक भी यहोवा का भय मानने वाला नहीं है, एक भी परमेश्वर से डरने वाला नहीं है। और जब परमेश्वर ने देखा कि नूह परमेश्वर का भय मानने वाला, उसका डर मानने वाला, और प्रभु ने अपने मर्म को नूह के ऊपर प्रकट किया और परमेश्वर ने कहा नूह से कि नूह मैं इस पृथ्वी को नाश करने वाला हूं। हालेलुया। और परमेश्वर ने नूह से कहा कि तू एक बहुत बड़ा जहाज बना और परमेश्वर नूह को दर्शन दे रहा है और दर्शन के साथ उस किश्ती का सारा नक्शा परमेश्वर उसको बता रहे हैं।
कि इस तरीके से तू उस नाव को बनाना, उस जहाज को बनाना। मैं कहने का मेरा मतलब यह है प्रभु के लोगों कि जब तक परमेश्वर अपने उस भेद को, उस वचन को, उस मर्म को परमेश्वर, जब तक परमेश्वर प्रकट नहीं कर लेता अपने दास भविष्यद्वक्ताओं पर, नबियों पर, तब तक परमेश्वर बिना उसके कहे हुए शब्द के अनुसार कुछ भी परमेश्वर नहीं करता। और हम इस बात को देखते हैं प्रभु के लोगों कि परमेश्वर का वो दास नूह परमेश्वर के उस कहे हुए वचन पर उसने विश्वास किया, क्योंकि उसे मालूम था कि परमेश्वर सामर्थी है और वो सामर्थ के कामों को प्रकट करने वाला प्रभु है। क्या आज मैं और आप परमेश्वर के वचन को अपनी जिंदगी में एक सामर्थ्यशाली रीति से उसको कार्य करने की अनुमति देते हैं या नहीं देते प्रभु के लोग? क्या वचन को मैं और आप, क्या बाइबल को मैं और आप इस शब्द को सिर्फ एज अ किताब के माने मैं और आप इस वचन को पढ़ते हैं, या मैं और आप इस रीति से पढ़ते हैं कि इसका वचन जो है, जो बाइबल में लिखा हुआ है, वो मेरे और आपकी जिंदगी के लिए एक सामर्थ्यशाली रीति से काम करने की शक्ति रखता है? क्या मैं और आप इस रीति से इस वचन को अपनी जिंदगी में क्लेम करते हैं प्रभु के लोगों कि परमेश्वर के वचन में जो लिखा हुआ है वो सामर्थ्यशाली रीति से मेरी जिंदगी में काम करेगा, यह मेरी जिंदगी को बदलेगा, यह मेरे हालात को बदलेगा, यह मेरी जिंदगी में कुछ समथिंग न्यू करेगा, कुछ नया बदलाव लेकर के आएगा? अगर इस रीति से प्रभु के लोगों मैं और आप परमेश्वर के इस वचन को नहीं पढ़ते तो आज से ये समय है प्रभु के लोगों कि परमेश्वर के वचन को इस रीति से अपनी जिंदगी में पढ़ना शुरू कर दें और इस रीति से परमेश्वर के वचन को अपनी जिंदगी में लागू करना शुरू कर दें। नूह को मालूम था कि परमेश्वर ने कहा है तो अवश्य ही परमेश्वर इस पृथ्वी को सर्वनाश करेगा और पृथ्वी को नष्ट करेगा, लेकिन परमेश्वर ने नूह को वक्त नहीं दिया था या समय नहीं दिया था कि हां मैं इस घड़ी पर ऐसा करने वाला हूं या इस टाइम पर मैं ऐसा करने वाला हूं या यह समय होगा या इतने दिनों के बाद या इतने सालों के बाद मैं जल प्रलय इस पृथ्वी पर लेकर के आऊंगा। ऐसा कुछ भी नूह से परमेश्वर ने नहीं बोला, लेकिन परमेश्वर ने उसको आज्ञा दी। परमेश्वर का वचन नूह के पास पहुंचा कि तू एक गोबेर वृक्ष की लकड़ी से एक जहाज को बनाना, और इस जहाज को बनाने का दर्शन परमेश्वर ने सारा नक्शा नूह को दिया। देखिए मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं प्रभु के लोगों, बहुत ध्यान से सुनिएगा। परमेश्वर ने नूह से बोला कि ऐसा ऐसा मैं करने वाला हूं, और जैसे ही उसने इस वचन को सुना प्रभु के लोगों, उसने कहा अपने जीवन से कि हां परमेश्वर सामर्थ्य है, उसका वचन जो है सामर्थ्य है और परमेश्वर का वचन सामर्थ्य रीति से काम करता है। उसने कहा है तो अवश्य ही परमेश्वर ऐसा करेगा। आज बहुत सारे प्रभु के सेवकों के द्वारा, बहुत सारे नबियों के द्वारा, बहुत सारे प्रॉफिट्स के द्वारा बहुत सारी भविष्यवाणियां हो रही हैं, बहुत सारे लोगों को बताया जा रहा है कि परमेश्वर ऐसे ऐसे समय के अंदर ऐसा होने वाला है, अब एक ऐसा टाइम आने वाला है, अब एक ऐसा वक्त आने वाला है, अपने जीवनों को मन फिरा लो, अपने पाप से मन फिरा लो। और तमाम बहुत बहुत भिन्न भिन्न प्रकार से परमेश्वर अपने वचन के द्वारा मुझे और आपको प्रभु के लोगों अगुवाई कर रहा है और वो मुझे और आपको निरुत्तर कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी प्रभु के लोगों मैं और आप परमेश्वर के वचन को अधिकारी रीति से अपनी जिंदगी के अंदर कार्य करने की अनुमति नहीं दे रहे। हालेलुया। प्रभु के लोगों परमेश्वर का वचन जब नूह के पास पहुंचा, नूह ठहरा नहीं, नूह रुका नहीं कि अभी तो और वक्त है, अभी तो और समय है, परमेश्वर ने तो मुझे बोला है, परमेश्वर ने तो मुझे दर्शन दिया है, अभी हो सकता है परमेश्वर को अभी जल प्रलय आने के लिए हो सकता है शायद 200 साल हो सकता है शायद 500 साल हो सकता है शायद 1000 साल हो, लेकिन जैसे ही उसके पास परमेश्वर का वचन पहुंचा प्रभु के लोगों, उसने उस किश्ती को, उस जहाज को बनाना आरंभ कर दिया। मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं प्रभु के लोगों, आपके पास परमेश्वर का वचन पहुंचा है, आपके पास खुदा का कलाम पहुंचा है, अपनी जिंदगी को आज से ही चेंज करना शुरू कर दीजिए, अपनी जिंदगी को, अपने जीवन को आज से ही बदलाव लाना अपनी जिंदगी में शुरू कर दीजिए। यह मत सोचिए कि शायद मेरी जिंदगी में कोई मिरेकल होगा, शायद मेरी जिंदगी में कोई अद्भुत काम होगा, उसके बाद से मैं अपनी जिंदगी को बदलना शुरू कर दूंगी या कर दूंगा। अक्सर प्रभु के लोगों मेरी और आपकी प्रॉब्लम यह है, मेरे और आपकी परेशानी यह है कि बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजों को या चिन्ह को मैं और आप अपनी जिंदगी में देखना चाहते हैं,
कि उस भाई की जिंदगी में, उस बहन की जिंदगी में ऐसा हुआ था, उसको ऐसा दर्शन हुआ था, और जब तक मुझे दर्शन नहीं होगा, ये जब तक मुझे कुछ चीज प्रकट नहीं होगी, तब तक मैं अपने जीवन को परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं ढालूंगा या नहीं ढालूंगी। प्रभु के लोगों, परमेश्वर का वचन जब प्रभु के मुख से निकलता है, तो जब तक परमेश्वर का वचन कार्य ना कर ले, तब तक प्रभु का वचन उसके पास वापस लौटता नहीं है। और वह बाइबल साफ बता रही है बात को, जो अपना वचन पूरा करने वाला है वह सामर्थ्य है। जो अपना वचन पूरा करने वाला है प्रभु के लोगों, वो सामर्थ्य है। और बाइबल आगे बताती है, क्योंकि यहोवा का दिन बड़ा और अति भयानक है, उसको कौन सह सकेगा। क्या मैं और आप प्रभु के लोगों उस बड़े और भयानक दिन को सह पाएंगे? अगर मैंने और आपने अपनी जिंदगी को, यदि मैंने और आपने अपने जीवन को इस वचन और इस कलाम के अनुसार अपने जीवन को नहीं ढाला या नहीं बनाया, तो प्रभु के लोगों, क्या मैं और आप उस यहोवा की या उस परमेश्वर की उस भयानक दिन को सह पाएंगे? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रभु के लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर के वचन से, कि जो अपना वचन पूरा करने वाला है वह सामर्थ्य है। कहिए अपने अपने आप से इस बात को बोलिए कि परमेश्वर का वचन सामर्थ्य है। कहीं अपने जीवन से, कहीं अपने आप से कि जो अपना वचन पूरा करता है, यानी कि परमेश्वर, वो सामर्थ्य है, और वो सामर्थ्य के कामों को मेरी जिंदगी में प्रकट करेगा। हालेलुया, आज की शाम से परमेश्वर मेरी जिंदगी में कुछ नया करेगा। आज की शाम से मेरी जिंदगी में एक नया बदलाव आएगा परमेश्वर के वचन के द्वारा। हालेलुया। और प्रभु के लोगों, जरूरी है खुदा के लोगों कि मैं और आप परमेश्वर के वचन पर ऐसा ईमान लाएं, ऐसा विश्वास लाएं कि अगर प्रभु के दासों के द्वारा, अगर प्रभु के परमेश्वर के दासों के द्वारा, परमेश्वर के खादिमों के द्वारा, अगर जो वचन आपके लिए बोला जा रहा है, इस बात को सोचिए कि वो प्रभु की ओर से, खुदा की ओर से है, प्रभु की ओर से। उसे एक्सेप्ट करिए, उसे अपने जीवन में रिसीव करिए, और कहिए कि परमेश्वर ऐसा करने वाला है मेरी जिंदगी में, परमेश्वर ऐसा मेरी जिंदगी में करने वाला है। हालेलुया। अब बाइबल इस प्रकार से बताती है, यर्मिया नबी की किताब, उसका 23 अध्याय, यर्मिया नबी की किताब उसका 23 अध्याय, यर्मिया चैप्टर 23 एंड वर्स 29, यर्मिया नबी की किताब उसका 23 अध्याय और उसकी 29वीं आयत। देखिएगा यहां पर क्या लिखा है वचन में, यहोवा की यह भी वाणी है, क्या मेरा वचन आग सा नहीं है? फिर क्या वह ऐसा हथौड़ा नहीं जो पत्थर को फोड़ डाले? प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। बाइबल बता रही है, प्रभु का वचन कह रहा है, यहोवा की यह भी वाणी है, मतलब कि परमेश्वर बताना चाह रहा है, प्रभु का कलाम बता रहा है कि परमेश्वर की यह भी वाणी है, परमेश्वर का यह भी शब्द है, परमेश्वर का यह भी वचन है, सुन लो, क्या मेरा वचन आग सा नहीं है? उसके बाद एक क्वेश्चन मार्क वहां पर आया है, क्या परमेश्वर का वचन आग सा नहीं है? फिर क्या वह ऐसा हथौड़ा नहीं जो पत्थर को फोड़ डाले? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज बहुत सारे ऐसे पत्थर हैं प्रभु के लोगों, किस पत्थरों की बात कर रहा हूं, आज बहुत सारे ऐसे कठोर लोग हैं, आज बहुत सारे ऐसे पत्थर हैं इस संसार में प्रभु के लोगों, जो पिघल नहीं रहे, जो बदल नहीं रहे। बहुत सारे लोग उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, बहुत सारे लोग उनको बता रहे हैं प्रभु के वचन को जाकर के, लेकिन अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि वो भाई मन नहीं फरा रहा, वो बहन मन नहीं फरा रही, या उसके जीवन में प्रभु का कलाम या परमेश्वर का वचन या लोगों की बातें उसके जीवन में काम नहीं कर रही। तो परमेश्वर का वचन इस प्रकार से बता रहा है, फिर क्या मैं ऐसा हथौड़ा नहीं जो पत्थर को फोड़ डाले? प्रभु के लोग, परमेश्वर का वचन इतना सामर्थ्य है, इतना प्रभावशाली है प्रभु के लोगों, कि वो पत्थर को फोड़ डालता है। हालेलुया। ऐसे लोग जो कठोर हैं
और जिन्होंने अपने मनों को पत्थर की मानिन कठोर कर रखा है प्रभु के लोगों, जब परमेश्वर का वचन सामर्थ्य रीति से काम करता प्रभु के लोगों, उनको बदलने में क्षण भर नहीं रखती। बहुत सारी गवाहियां, बहुत सारे टेस्टिमनी मेरे पास हैं, लेकिन समय मेरे पास नहीं है कि मैं आप यहां दे सकूं, क्योंकि किस किस रीति से लोगों ने लोगों को बदला है, किस किस रीति से परमेश्वर ने लोगों को बदला है। ऐसे से लोग जो कभी सोच सकते थे, लोग कहते थे कि शायद ये भाई नहीं बदल सकता है, शायद ये बहन नहीं बदल सकती, प्रभु के लोगों परमेश्वर का वचन सामर्थ्य है। प्रभु के लोगों परमेश्वर खुद सामर्थ्य है, जब वो काम करने चाहता है प्रभु के लोगों तो क्षण भर नहीं निकलता या क्षण भर नहीं लगता प्रभु को लोगों को बदलने में। हालेलुया। हम परमेश्वर के वचन को किस रीति से कार्य करने दे रहे हैं, या किस रीति से परमेश्वर के वचन को हम यूज कर रहे हैं प्रभु के लोग। एक नॉर्मली एक वचन या नॉर्मली एक किताब के मानिंद हम परमेश्वर के वचन को पढ़ रहे हैं, या परमेश्वर के वचन को जब हम पढ़ते हैं और उसको अपने जीवन में लागू करते हैं कि हाँ प्रभु ऐसा करने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। अगर हम किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु के लोगों, अगर हम किसी को वचन जाकर के सुना रहे हैं प्रभु के लोगों, बेशक आपके सामने दो लोग बैठे हुए हैं और आप परमेश्वर के वचन को सुना रहे हैं, आप विश्वास करिए कि आपके साथ 2000 लोग प्रभुष्य के वचन को बैठ करके सुन रहे हैं। हालेलुया। इस रीति से सामर्थ्य रीति से आप प्रभुष्य के वचन को कार्य करने की अनुमति दें प्रभु के लोगों, और अवश्य ही है कि परमेश्वर अपने वचन को पूरा करने में सामर्थ्य है, क्योंकि खुद परमेश्वर सामर्थ्य है। और बाइबल इस प्रकार से बताती है, जैसे मैं नूह के विषय में आपको बता रहा था प्रभु के लोगों, और उसने नूह की और नूह ने किश्ती बनाना आरंभ करी, और वो नूह किश्ती बनाता रहा, जहाज बनाता रहा, जहाज बनाता रहा। उसे नहीं पता था कि जल प्रलय कब आ जाएगा, लेकिन वो अपने काम को करता रहा, परमेश्वर के उस वचन के अंदर बना रहा प्रभु के लोगों। अक्सर कई बार होता है प्रभु के लोगों की मैं और आप परमेश्वर के वचन के अंदर बने नहीं रहते। किसी बहन के लिए, किसी भाई के लिए प्रोफेसी हुई, भविष्यवाणी हुई, या परमेश्वर के दास ने किसी के लिए कुछ बताया प्रभु के लोगों, हम एक दिन याद रखते हैं, दो दिन याद रखते हैं, पांच दिन याद रखते हैं, एक महीना याद रखते हैं, दो महीने याद रखते हैं, और क्या होता है हम धीमे 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 उस वचन से, उसका कहे हुए वचन से प्रभु के लोगों मैं और आप पीछे हटते रहते हैं, और मैं और आप उस वचन को भूल जाते हैं अपनी जिंदगी। प्रभु का वचन इस रीति से काम नहीं करता प्रभु के लोगों। परमेश्वर का वचन सामर्थ्य है, और वो सामर्थ्य ही मेरे और आपकी जिंदगी में प्रकट करता है। परमेश्वर का वचन सामर्थ्य है, और वो सामर्थ्यशाली कामों को ही मेरे और आपकी जिंदगी में प्रकट करता है। कब करता है? जब मैं और आप उस वचन के अंदर स्थिर और या खड़े रहते हैं। नूह खड़ा रहा उस वचन के अंदर, और हम देखते हैं प्रभु के लोगों कि जल प्रलय पृथ्वी पर आया, नूह और उसका घराना बचाया गया, केवल 8 प्राणी उस जल प्रलय के अंदर बचाए गए। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है, प्रभु का वचन कहता है यरमिया 23 और उसके 29वीं आयत के अंदर, यहोवा की यह भी वाणी है, क्या मेरा वचन आग सा नहीं है, फिर क्या वह ऐसा हथौड़ा नहीं जो पत्थर को फोड़ डाले। हालेलुया। सच में प्रभु के लोगों, आज हम जिस समय के अंदर जी रहे हैं, आज हम जिस टाइम के अंदर जी रहे हैं प्रभु के लोगों, वो एक बहुत ही कह लीजिए कि एक ऐसा समय है प्रभु के लोगों कि प्रभु का आना या प्रभु का आगमन कब हो जाए शायद मैं और आप ना जान पाए या ना समझ पाए, लेकिन प्रभु के लोगों वचन में जो लिखा हुआ है, प्रभु के वचन में मुझे और आपको खड़े रहना है, मुझे और आपको प्रभु के वचन में स्थिर रहना है। बाइबल क्यों कहती है, प्रभु यीशु मसीह ने क्यों कहा कि जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उद्धार उसी का होगा। और ऐसे लोग भी होंगे प्रभु के लोगों कि अंत के समय में, उस समय के अंदर आते 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 बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो वचन से भटक जाएंगे और परमेश्वर की वाणी से पीछे हट जाएंगे, परमेश्वर की वायदों से पीछे हट जाएंगे। हालेलुया। तो मुझे और आपको जरूरी है खुदा के लोगों कि परमेश्वर का वचन सामर्थ्य है, और वो सामर्थ्य मेरे और आपकी जिंदगी में प्रकट करता है। ऐसा विश्वास मेरा और आपका होना चाहिए। बाइबल इस प्रकार से बताती है, यदि मैं और आप पढ़ेंगे
यशायाह नबी की किताब और उसका 26 अध्याय, यशायाह नबी की किताब उसका 26 अध्याय और उसकी 21वीं आयत मैं यहां पर आपके सामने पढ़ता हूं। क्योंकि देखो यहोवा पृथ्वी के निवासियों को अधर्म का दंड देने के लिए अपने स्थान से चला आता है, अब पृथ्वी अपना खून प्रकट करेगी और घात किए हो को और अधिक ना छिपा रखेगी। बाइबल आगे बताती है योएल, जैसे हम पढ़ रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, योएल नबी किताब उसका 2 उसकी 11वीं आयत, क्योंकि यहोवा का दिन भयानक है, हालेलुया, यहोवा का दिन भयानक है इससे पहले कि वो भयानक दिन आए प्रभु के लोगों, क्योंकि बाइबल के अंदर उत्पत्ति से लेकर के और प्रकाशित वाक्य तक जितनी भी बातें लिखी हुई हैं वो एज अ प्रोफेसी है प्रभु के लोगों कि प्रभु इन दिनों में ऐसा करने वाला है, प्रभु इन दिनों में ऐसा करने वाला है, प्रभु इन दिनों में ऐसा करने वाला है, लेकिन लोग संभल नहीं रहे, लोग आज भी नहीं संभल रहे, लोग उन दिनों के अंदर भी नहीं संभल रहे थे जब नूह लोगों को जाके बता रहा था, लोग उन समय के अंदर भी संभल नहीं रहे थे जब बियाबान के जंगल के अंदर वो इजरायली मूसा की अगुवाई में चल रहे थे, खुदा की अगुवाई में चल रहे थे, बहुत सारी चीजों को प्रभु उनके सामने प्रकट कर रहा था, लेकिन उन दिनों के अंदर भी लोग संभल नहीं रहे थे और प्रभु के मार्ग में नहीं आ रहे थे। एज इट इज प्रभु के लोगों आज भी वही वक्त है, आज भी वही समय है, आज लोग उस दौर में दौड़े चले जा रहे हैं और उन्हें नहीं पता कि शायद आखिरकार वो मंजिल आएगी या नहीं आएगी। अच्छी बात है मैं और आप अपनी जिंदगी में दौड़ तो रहे, लेकिन अगर मेरे और आपके पास लक्ष्य नहीं है, यदि मेरे और आपके पास एम नहीं है प्रभु के लोगों, अगर मैं और आप बिना एम के मैं और आप अपने जीवन में दौड़ रहे हैं प्रभु के लोगों, तो मुझे और आपको रिवॉर्ड तो नहीं मिलेगा, मुझे और आपको इनाम तो नहीं मिलेगा। मेरे आपका एक एम ऐसा होना चाहिए, मेरे आपका एक लक्ष्य ऐसा होना चाहिए कि हाँ खुदा के आने से पहले, परमेश्वर के आने से पहले मैं और आप अपने उस दौड़ के अंदर क्या करते रहे, दौड़ते रहे उस वचन के अनुसार, उस कलाम के अनुसार, उस वचन के अनुसार जो परमेश्वर के वचन में, जो बाइबल में लिखा हुआ है प्रभु के लोगों, उस वचन के अंदर मुझे और आपको बने रह करके मैं और आप उस दौड़ के अंदर दौड़ते रहे, तो निश्चय ही प्रभु का वचन सामर्थ्य है और वो सामर्थ के कामों को मेरे और आपके जीवनों के अंदर प्रकट करता है। इसलिए बाइबल कहती है क्योंकि देखो यहोवा पृथ्वी के निवासियों को अधर्म का दंड देने के लिए अपने स्थान से चला आता है और पृथ्वी अपना खून प्रकट करेगी और घात किए हुओं को और अधिक ना छिपा रखेगी। ये सृष्टि भी परमेश्वर के उस प्रकट होने की को बाट जो रही है प्रभु के लोगों, और सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से देख रही है उस समय को कि जब परमेश्वर का आना होगा, जब परमेश्वर का आगमन होगा प्रभु के लोगों, तो परमेश्वर के लोग जो परमेश्वर के वचन में बने हुए हैं, जो परमेश्वर के कलाम के अंदर बने हुए हैं, जो परमेश्वर के वचन को अपनी जिंदगी में सामर्थ्य रीति से कार्य करने की अनुमति दे रहे हैं प्रभु के लोगों, उस अद्भुत दिन को देखने के लिए सृष्टि भी बड़ी आशा भरी उस बात की बात को जो रही है प्रभु के लोग। तो क्या मैं और आप उस परमेश्वर के वचन को अपनी जिंदगी में सामर्थ्यशाली रीति से काम करने देते हैं या नहीं देते? परमेश्वर का वचन तो सामर्थ्य है और वो सामर्थ्य के कामों को ही प्रकट करता है, और मैं अभी थोड़ी देर पहले जैसे बता रहा था कि परमेश्वर का वचन जब उसके मुख से निकलता है तो जब तक वो अपने कामों को पूरा ना कर ले तब तक परमेश्वर के पास व्यर्थ वापस लौट के नहीं आता है। हालेलुया, जय मसीह की। बाइबल के अंदर एक वाक्य है, एक घटना है, शायद आप लोगों ने अगर शायद पढ़ा होगा बाइबल से, पहला राजा की किताब उसका 22 अध्याय, पहला राजा की किताब उसका 22 अध्याय और
पहला राजा की किताब उसका 22 अध्याय और उसकी 5वीं आयत को मैं आपके सामने पढ़ूंगा। यहां पर एक वाक्य है, एक घटना है, और इज़राइल का राजा अहाब, बाइबल इस प्रकार से बताती है कि अहाब के काम अच्छे नहीं थे, क्योंकि अहाब अपनी पत्नी इज़बेल के जैसा उसकी पत्नी कहा करती थी उसी कामों को वो किया करता था, क्योंकि उसकी जो पत्नी थी वो बाल देवता की उपासक थी और वो परमेश्वर से डरती नहीं थी, परमेश्वर का भय नहीं मानती थी। और बाइबल इस प्रकार से बताती है कि ये राजा अहाब, बाइबल इस प्रकार से बताती है कि अहाब यहोशापात राजा से बड़ा मेल रखता था, क्योंकि यहोशापात यहूदा का राजा और ये इज़राइल का राजा था। और कुछ दिनों के बाद उन दोनों की जब मुलाकात होती है तो वो कहने लगे, राजा अहाब कहने लगा कि गिलाद का जो रामोत है, एक नगर था जो इज़राइल से सटा हुआ था, और वो कहने लगा गिलाद का रामोत हमारा है और उसको हम इज़राइल के अंदर फिर से मिला लेना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि गिलाद का रामोत फिर से इज़राइल के अंदर क्या हो जाए, मिल जाए। अब देखिए बहुत सारी बातें उसके मन के अंदर उठ रही थी, जबकि ये बात प्रभु की ओर से नहीं थी, और उसके मन के अंदर ऐसा बात आई कि क्यों ना हम उस गिलाद के रामोत को, उस नगर को हम इज़राइल के अंदर फिर से मिला लें। तब यहोशापात ने एक बात वहां पर राजा अहाब से बोली, 5वीं आयत के अंदर, फिर यहोशापात ने इज़राइल के राजा से कहा, आज यहोवा की इच्छा मालूम कर लें। यहोशापात राजा तो था, वो परमेश्वर पर भरोसा रखता था, वो परमेश्वर के भय में चलने वाला व्यक्ति था, और ये यहोशापात राजा राजा अहाब से कह रहा है। फिर यहोशापात ने इज़राइल के राजा से कहा, आज यहोवा की इच्छा मालूम कर लें। आज परमेश्वर की इच्छा क्या है, आज परमेश्वर की योजना क्या है, आज मेरी जिंदगी के अंदर मेरे परिवार के लिए प्रभु की क्या योजना है, क्या इच्छा है प्रभु के लोगों, क्या उसका वचन है आज की शाम, क्या उसका वचन है आज के दिन के लिए। क्या मैं और आप इस बात को मालूम करते हैं अपनी जिंदगी के अंदर? क्या जब मैं और आप प्रार्थना के अंदर बैठते हैं प्रभु के लोगों, तो क्या इस बात की मालूम करते हैं कि आज की शाम या आज के दिन के लिए कौन सा वचन है प्रभु तेरा, जो मेरे परिवार के लिए, जो मेरी जिंदगी के अंदर कार्य करेगा अद्भुत और सामर्थ्य रीति से। और राजा यहोशापात ने कहा राजा अहाब से कि आज हम परमेश्वर की इच्छा को मालूम कर लें। तब राजा अहाब कहने लगा कि ठीक है, अच्छी बात है। तब राजा अहाब के पास उस इज़राइल के अंदर नबी थे जो परमेश्वर के नबी कहलाए, और बाइबल इस प्रकार से बताती है वो करीब करीब 400 नबी थे, 400 भविष्यवक्ता थे। अब वो कहने लगे, मैं सबको बुलाता हूं और मैं परमेश्वर की इच्छा को या परमेश्वर के वचन को आज मैं पूछता हूं। बाइबल इस प्रकार से बताती है 6वीं आयत के अंदर, तब इज़राइल के राजा ने नबियों को जो कोई 400 पुरुष थे इकट्ठा करके उनसे पूछा, क्या मैं गिलाद के रामोत से युद्ध करने के लिए चढ़ाई करूं या रुका रहूं? उन्होंने उत्तर दिया, चढ़ाई कर, क्योंकि प्रभु उसको राजा के हाथ में कर देगा। अब देखिए 400 भविष्यद्वक्ता, 400 नबी एक ही बात को बोल रहे हैं, तो राजा अहाब जो था वो आनंदित हो गया, वो खुश हो गया कि अरे 400 नबी एक ही बात को बोल रहे हैं, इसका मतलब परमेश्वर हमसे चाह रहा है कि हम युद्ध करें और परमेश्वर गिलाद के रामोत को हमें हमारे हाथ में कर दे। तब यहोशापात ने एक बात और राजा अहाब से पूछा, परंतु यहोशापात ने पूछा, क्या यहां यहोवा का और भी कोई नबी नहीं है जिससे हम पूछ लें? अब ये कैसी बात है, राजा अहाब सोचने लगा होगा, अरे 400 नबी एक ही बात की भविष्यवाणी कर रहे हैं, एक ही बात को बोल रहे हैं, उसके बाद भी यहोशापात को शक है। हालेलुया, उसके बाद भी यहोशापात को शक है कि क्या यहां यहोवा का या परमेश्वर का कोई और नबी नहीं है जिससे हम पूछ लें। राजा अहाब कहने लगा कि हां, यहां पर परमेश्वर का एक नबी और है, उसका नाम मीकाया है। लेकिन एक बात राजा अहाब ने वहां पर कही यहोशापात से, लेकिन वो मुझसे कभी भी अच्छी बातें कभी नहीं करता, मुझसे वो हमेशा मुझसे हानि की बात बोलता है। अब ऐसी क्या चिढ़ है राजा अहाब से, या ऐसा क्या दुश्मनी है राजा अहाब से कि मीकाया नबी हमेशा उसके लिए बुरी ही बात बोलता है, कभी कोई अच्छी बात नहीं बोलता है? क्यों? क्योंकि राजा अहाब के काम परमेश्वर की दृष्टि में अच्छे नहीं थे। बेशक प्रभु के लोगों,
हम अपनी नजर में अपनी दृष्टि में अपने आप को बड़ा अच्छा समझते हो कि मैं तो बहुत अच्छा हूं या मैं तो बहुत अच्छी हूं, मैं तो परमेश्वर के योग काम कर रहा हूं या मैं परमेश्वर के योग काम कर रही हूं। हालेलुया। और यहां राजा अहाब भी इसी बात को सोच रहा था अपने मन के अंदर, मैं बहुत अच्छा हूं, मैं कभी कोई गलती नहीं करता, मैं कभी कोई गुनाह नहीं करता। 400 नबी एक ही बात को मेरे विषय में बोल रहे हैं, और उसके बाद भी राजा यहोशापात कह रहा है कि यहां पे क्या कोई और यहोवा का नबी नहीं जिससे हम पूछ लें। देखिएगा, राजा अहाब कहने लगा, परंतु मैं उससे घृणा करता हूं क्योंकि वह मेरे विषय कल्याण की नहीं वरन हानि ही की भविष्यवाणी करता है। अब ऐसी क्या दुश्मनी है राजा अहाब से या ऐसी क्या रंजिश है राजा अहाब से जो मीकायाह उसके लिए हमेशा हानि की भविष्यवाणी करता है? क्यों? क्योंकि उसके काम बुरे थे प्रभु के लोगों, और इसीलिए परमेश्वर का वचन उसके लिए सामर्थी रीति से काम नहीं कर रहा था, क्योंकि उसके काम बुरे थे, वो परमेश्वर की योजना के अनुसार अपने जीवन को नहीं जी रहा था। हालेलुया। कई बार प्रभु के लोगों, मैं और आप भी परमेश्वर की योजना के तहत अपने जीवन को नहीं जीते, और इसलिए प्रभु का वचन जो है वो सामर्थ्यशाली रीति से मेरे और आपकी जिंदगी में काम नहीं करता, और इसलिए प्रभु के लोगों में और आप कहते रहते हैं प्रभु का वचन मेरी जिंदगी में काम नहीं करता, प्रभु की सामर्थ मेरी जिंदगी में काम नहीं करती। मैं चाहता हूं मैं पवित्र आत्मा से भरना चाहता हूं, मैं पवित्र आत्मा से वरदानों से भरना चाहता हूं, मैं गिफ्ट से भरना चाहता हूं, मैं भी चाहता हूं कि मैं लोगों के लिए प्रार्थना करूं और लोग चंगे हो जाएं, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि मेरे और आपके काम परमेश्वर को भा नहीं रहे कहीं ना कहीं, और मैं और आप उसको चेक नहीं कर रहे। और राजा आपके साथ भी यही सिचुएशन थी, वो अपने आप को चेक नहीं करता था, और वो अक्सर इस वाली बात को बोलता था कि मीकायाह नबी मेरे विषय में कभी भी अच्छी बात नहीं करता, वो मेरे विषय में हमेशा हानि की बात करता है। हालेलुया। बाइबल इस प्रकार से बताती है, 400 नबी एक ही बात को बोल रहे हैं। अगर मैं और आप अगर उस जगह पर खड़े होते तो क्या मैं और आप बिलीव नहीं करते? क्या मैं और आप विश्वास नहीं करते? भाई 400 नबी, 400 भविष्यद्वक्ता एक ही बात को बोल रहे हैं, कौन विश्वास नहीं करेगा? हालेलुया। बाइबल इस प्रकार से बताती है कि जब 19वीं आयत के अंदर मैं और आप पढ़ेंगे, मैं और बहुत लंबा नहीं जा रहा क्योंकि समय नहीं है, जब मैं और आप इसी अध्याय की 19वीं आयत को पढ़ेंगे तो वहां पर मीकायाह नबी क्या कहता है। मीकायाह ने कहा, इस कारण तू यहोवा का ये वचन सुन, मुझे सिंहासन पर विराजमान यहोवा और उसके पास दाहिने बाएं खड़ी हुई स्वर्ग की समस्त सेना दिखाई है दी है। देखिए वो दर्शन की बात को बता रहा है जो मीकायाह ने दर्शन देखा परमेश्वर का। तब यहोवा ने पूछा, अहाब को कौन ऐसा बहकाएगा कि वे गिलाद के रामोत पर चढ़ाई करके खेत आए? तब किसी ने कुछ और किसी ने कुछ कहा। देखिएगा, तब 21वीं आयत क्या बोलती है, अंत में एक आत्मा पास आकर यहोवा के सम्मुख खड़ी हुई और कहने लगी, मैं उसको बहकाऊंगी। यहोवा ने पूछा, किस उपाय से? परमेश्वर पूछ रहा है उस आत्मा से, तू कैसे उसको बहकाएगी? देखिएगा 22वीं आयत यहां पर डिक्लेयर कर रही है, उसने कहा, मैं जाकर उसके सब भविष्य दफ्ताओं में बैठकर उनसे झूठ बुलवाएंगी। यहोवा ने कहा, तेरा उसको बहकाना सफल होगा, जाकर ऐसा ही कर। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की यह मनसा थी, परमेश्वर की इच्छा थी प्रभु के लोगों कि राजा अहाब का वो सर्वनाश करे, क्योंकि उसकी बुराई उसके काम परमेश्वर को भा नहीं रहे थे। लाख बार परमेश्वर के वचन उसके पास पहुंचाया जा रहा था भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा, नबियों के द्वारा, अपने सेवकों के द्वारा, लेकिन राजा अहाब अपनी उस बुरी चाल को छोड़ नहीं रहा था। सेम कंडीशन प्रभु के लोगों आज मेरे और आपके साथ भी है। कई बार परमेश्वर के दासों के द्वारा, नबियों के द्वारा, भविष्य वक्ताओं के द्वारा मेरे और आपके पास वचन पहुंच रहा है, लेकिन मैं और आप अपने जीवन को सुधारना नहीं चाह रहे, मैं और आप अपनी जिंदगी को बदलना नहीं चाह रहे। हम चाह रहे हैं कि हम जहां पर हैं हम बहुत ही बेटर हैं, हम बहुत ही अच्छे हैं। मैं आपको बताना चाह रहा हूं प्रभु के लोगों कि मनुष्य अपनी दृष्टि में बड़ा बुद्धिमान बनता है, बड़ा समझदार बनता है कि मैं जो कर रहा हूं बहुत बेहतर है, बहुत अच्छा कर रहा हूं। परमेश्वर को पसंद आ रहा हो या नहीं आ रहा हो, लेकिन मैं तो अपनी जगह बहुत
वेल एंड गुड हो, बहुत बढ़िया। सेम कंडीशन राजा अहाब के साथ भी थी प्रभु के लोगों। कई बार प्रभु ने अपने सेवकों को भेजा, दासों को भेजा कि तेरे काम और तेरी पत्नी के काम ठीक नहीं है, परमेश्वर चाहता है कि तुम अपने जीवनों को बदलो, परमेश्वर के सामने पश्चाताप करो। लेकिन प्रभु के लोगों, उसने ऐसा नहीं करा। हालेलुया। बाइबल बताती है कि यहोवा के उस भयानक दिन को कौन सह सकेगा। क्या मैं और आप परमेश्वर के उस भयानक दिन को सहने की क्षमता रखते हैं? अगर क्षमता रखते हैं उसके भयानक दिन को आने की, तो प्रभु के लोगों, मैं और आप जिस चालों को चल रहे हैं या जिस रीति से मैं और आप अपने बुरे कामों को कर रहे हैं या बुरी चालों को चलते हैं, चलते रहें, क्योंकि मैं आपको बताना चाह रहा हूं वचन के अनुसार, यहोवा के उस भयानक दिन के जब दिन आएगा तो मैं और आप उस भयानक दिन को सह नहीं पाएंगे। अभी थोड़े समय पहले 2020 के अंदर एक ऐसी घटना घटी कि साथ पूरे देश के अंदर लॉकडाउन हो गया और एक ऐसी महामारी, एक ऐसा विषम स्थिति आ गई कि लोग घर से निकलने में भी डरने लगे कि अगर कहीं घर से बाहर निकल जाए तो कहीं कुछ हमें ना हो जाए। एक ऐसी स्थिति, एक ऐसी सिचुएशन, ये तो छोटा सा झटका था प्रभु के लोगों जो परमेश्वर ने दिया जब परमेश्वर की ओर से संसार पर आया। लेकिन जब आने वाले समय के अंदर जब इससे भी बड़ी घटनाएं होंगी संसार के अंदर, तो क्या उस समय के अंदर मैं और आप खड़े हो पाएंगे? क्या यहोवा के दिन, जो उस भयानक दिन के अंदर, क्या मैं और आप अपने आप को खड़ा रख पाएंगे प्रभु के लोगों? हालेलुया। परमेश्वर का वचन सामर्थी है प्रभु के लोगों, क्योंकि परमेश्वर के वचन के अंदर सामर्थ है और वो सामर्थ्यशाली कामों को मेरे और आपकी जिंदगी के अंदर प्रकट करता है। कब प्रकट करता है प्रभु के लोगों? जब मैं और आप उस वचन के अंदर क्या करते हैं, बने रहते हैं और उस वचन को अपनी जिंदगी में क्लेम करते हैं कि हाँ परमेश्वर मेरी जिंदगी में कुछ अद्भुत करने वाला है, हाँ परमेश्वर मेरी जिंदगी में कुछ समथिंग न्यू करने वाला है, तब परमेश्वर का वचन मेरे और आपकी जिंदगी में काम करता है प्रभु के लोग। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर सामर्थी है और उसका वचन और भी ज्यादा सामर्थी है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के कहे हुए वचन को जब तक वो पूरा करना ना कर ले, तब तक परमेश्वर का वचन परमेश्वर के पास वापस या व्यर्थ लौट करके वापस उसके पास कभी नहीं आता। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, बहुत बरकत दे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम लोग प्रार्थना करेंगे। हमारे जीवित अनुग्रहकारी और दयालु सामर्थ्य पिता परमेश्वर, मैं आपको प्रभु धन्यवाद देता हूं इस अच्छे सुंदर वचन के द्वारा जो आपने हम सबको प्रभु इस वचन के द्वारा आशीष दी है। खुदा मैं विश्वास करता हूं एक एक जिंदगी, जिन जिन लोगों ने प्रभु इस फेसबुक लाइव के द्वारा हमारे साथ लाइव जुड़ करके इस वचन को सुना है प्रभु, उनकी जिंदगी में खुदा आप एक न्यू चेंज करने वाले हैं प्रभु, समथिंग न्यू यानी कि एक नया बदलाव आज से ही आप उनकी जिंदगी में देने जा रहे हैं प्रभु, उनके परिवारों में देने जा रहे हैं प्रभु। परमेश्वर पिता, और ये वचन एक बहुत ही सामर्थ्य रीति से उनकी जिंदगी में कार्य करेगा आज से, अभी से, यीशु के नाम से प्रभु। पिता परमेश्वर, मेरी दुआ है कि बाद में जितने भी लोग इस वीडियो को देखते हैं उनके भी जीवन प्रभु यीशु के नाम से बहुत ज्यादा खुदा बन आशीषित किए जाए प्रभु। पिता परमेश्वर, मेरी प्रार्थना है प्रभु कि खुदावन एक एक परिवार के लिए, एक एक घराने के लिए खुदावन यहोवा, मैं प्रार्थना विनती करता हूं कि सबको आप अपनी महिमा के लिए आप खड़ा करें, इस्तेमाल करें। और परमेश्वर यहोवा, आपके उस भयानक दिन, जो भयानक दिन आने वाला है प्रभु, जो आने वाले समय के अंदर खुदावन परमेश्वर पिता, और हमें उस भयानक दिन में खड़े होने की प्रभु हमें सामर्थ, हमें कुवत और हमें लियाकत दीजिए। प्रभु मैं धन्यवाद देता हूं पिता एक बार फिर से आपकी सामर्थ के लिए, आपके अभिषेक के लिए और आपकी उपस्थिति के लिए प्रभु। पिता परमेश्वर धन्यवाद देता हूं। एक बार फिर से मैं प्रार्थना करता हूं ब्रदर अनुपम डेविड जी के लिए और सिस्टर शबनम डेविड जी के लिए खुदावन की, प्रभु अपने दास और दासी को प्रभु बहुत और बहुत और बहुत खुदावन आप इनको ब्लेस और इनको आशीषित कीजिए खुदावन, और आपका दाहिना छिदा हुआ हाथ इनकी जिंदगी पर खुदावन हमेशा बना रहे पिता परमेश्वर, और ये जीवन आप में बने रहे प्रभु परमेश्वर पिता, और आपके कार्यों के लिए प्रभु पिता परमेश्वर रोज बरोज ये बढ़ते चले जाए और बहुत सारे लोगों तक ये आपके सुसमाचार को लेके
पहुंचने वाले हो सके पिता परमेश्वर। सारी बातों में प्रभु आपको महिमा देता हूं खुदावन, क्योंकि महिमा आपकी है पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगता हूं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड सबको, सबको जय मसीह की।